नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसएन न्यूज में। जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हित में फैसला दिया, तब से राम मंदिर के निर्माण पर कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच राम मंदिर के वर्तमान मॉडल में बदलाव को लेकर विश्व हिंदू परिषद अब सक्रिय हो गया है। पहले बने राम मंदिर के मॉडल में अब बदलाव कर इसे भव्य रूप दिया जाएगा। राम मॉडल के आर्किटेक्ट रहे चंद्रकांत सोनपुरा ने नया नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया है। पुराने मॉडल को ही और विस्तार करके एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसमें एक मंडप और अतिरिक्त मंजिल के साथ 33 फुट ऊंचे शिखर का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि 9 दिसंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण के लिए ऐतिहासिक फैसले के बाद ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अहमदाबाद में मंदिर के मॉडल पर विश्व हिंदू परिषद के अहम मंथन बैठक हुई, जिसमें आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोनपुरा मंदिर के मॉडल के साथ एक नया स्वरूप और भव्यता देने से जुटे हैं। कार्यशाला प्रभारी वास्तु कलाकार अन्नू भाई सोनपुरा ने बताया कि तैयारी मॉडल में कई बदलाव किए जा चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के इस मॉडल को और भव्यता और विस्तार दिया जाएगा। वर्तमान में 2 मंजिल का बनने वाला राम मंदिर अब 3 मंजिल का होगा। राम मंदिर में बनने वाला रंग मंडप के साथ एक और मंडप बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रस्तावित राम मंदिर की ऊंचाई 128 फुट थी, जिसे 161 फुट करने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के साथ ही राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेज शुरू हो चुका है। ऐसी बड़ी संख्या में कारीगरों को लाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में कारीगरों से संपर्क किए जा रहे हैं और ट्रस्ट का निर्माण के बाद अनुमति मिलते ही सभी कारीगरों को अयोध्या बुलाया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में राम मंदिर की ऊंचाई गगनचुंबी होने का इशारा किया था। उधर अयोध्या में संत भी 15 जनवरी के बाद ट्रस्ट की घोषणा की उम्मीद जता रहे हैं। फैसले के बाद केंद्र सरकार ट्रस्ट के निर्माण की तैयारी में लग गई है। ट्रस्ट के निर्माण तक सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने इस सिलसिले में कई लोगों से चर्चा भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नवंबर के आखिरी में वाराणसी में संघ के सहकार्यवाह भैयाजी जोशी और सहकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत संघ के नेताओं पर इस विषय में बात भी की थी। केंद्र गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रस्ट में बीजेपी की हिस्सेदारी नहीं रहेगी, यानी बीजेपी का कोई नेता इसमें शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही आरएसएस ट्रस्ट में संगठन के तौर पर भी शामिल नहीं होगा। हालांकि संघ के प्रतिनिधि ट्रस्ट में शामिल हो सकते। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के सलाहकार मंडल के नाम तय हो गए हैं। इसे प्रधानमंत्री, केंद्र गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहेंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों को लेकर अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ट्रस्ट में मंदिर निर्माण सेवा के लिए अलग समिति होगी। यह समिति ही मंदिर निर्माण के काम को देखेगी। इस समिति में उनसे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जो राम मंदिर जन्मभूमि के आंदोलन से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसमें साधु संतों के अलावा बुद्धिजीवी, वकील और पूर्व प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, जो बदलाव किए जा रहे हैं आखिर कब ये बदलाव फाइनल होंगे, कब ट्रस्ट का गठन होगा और कब राम मंदिर बनके तैयार होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं आशीष झा, एसएन न्यूज़, धन्यवाद।